अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मज़मून निगारी इम्तहान की तैयारी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इम्तहान यानी कि एग्जामिनेशन एक आम चीज़ है जिसका हम सब ने अपनी ज़िंदगी में सामना किया है। ये स्कूल कॉलेज दाखिला लेने के लिए मुकाबलाजात वगैरह के इम्तहान हो सकते हैं। ये इम्तहानात हमारे इल्म और सलाहियत को जांचने में हमारी मदद करते हैं। हम इससे बच नहीं सकते, इसलिए ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए हमेशा अच्छी तैयारी के साथ इसका सामना करने के लिए तैयार रहें। तलबा के इल्म और सलाहियत को जांचने के लिए इम्तहानात का इनकार किया जाता है। इम्तहानात फिल्टर की तरह होते हैं जो मुख्तलिफ सेक्शंस के तलबा का अंदाज़ा लगाते हैं। हम में से बहुत से लोगों को इम्तहान फोबिया है। इम्तहान फोबिया यानी कि इम्तहान का डर, फोबिया कहते हैं डर को। इम्तहान की आमद से पहले हम तनाव और अफसरदगी की कैफियत से गुजरते हैं। अफसरदगी यानी कि डिप्रेशन और तनाव यानी कि स्ट्रेस। एक नापसंदीदा खौफ हमें इम्तहान के लिए अपने मौजूद पर तवज्जो मरकूज़ करने से रोकता है। इम्तहान का दौरानिया हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम नहीं जानते कि कहाँ से आगाज करना है। आगाज यानी कि शुरुआत, स्टार्टिंग। हम जहन में मुख्तलिफ सवालात में उलझे हुए हैं। तलबा को इम्तहानात का सामना करना पड़ता है, ख्वाह वो स्कूल की जिंदगी में हो या कॉलेज लाइफ में। वो इम्तहान से गुजरने के बाद ही आला तबकात में तरक्की पाते हैं। जैसे जैसे इम्तहानात करीब आते हैं, तलबा में तनाव की सतह दुगनी हो जाती है। तनाव यानी कि टेंशन या फिर स्ट्रेस। मुतालिया का स्मार्ट तरीका इम्तहानात की अच्छी तैयारी करने में हमारी मदद करता है। ये उन तलबा के लिए भी फ़ायदा मंद होगा जिन्होंने बाकायदगी से पढ़ाई नहीं की और इम्तहान की तैयारी के लिए सिर्फ आखिरी वक्त है। इम्तहानात के आखिरी दिनों में तैयारी कैसे करें? सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है वो है अहम उन्मानात पढ़ें, पिछले साल के इम्तहानी पर्चे हल करें। उस मौजू को ज़्यादा वक्त दें जो कमज़ोर है। दूसरों की तैयारियों की कभी परवाह ना करें। सेहतमंद और तंदरुस्त रहने के लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना खाएँ और वक्त पर सोएं। हौसला अफजाई करें और 45 मिनट की पढ़ाई के बाद ज़रूरी वक्फे लें। इम्तहानात की तैयारी में कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद। तलबा को इंटरनेट और कंप्यूटर की मदद से इम्तहान की तैयारी के लिए अच्छी टिप्स मिलती हैं। इंटरनेट पर हर किस्म की मालूमात के साथ मुख्तलिफ अबवाब के साथ उनकी वीडियोज़ भी दस्तयाब हैं। अबवाब यानी कि मुख्तलिफ चैप्टर्स की वीडियोज़ भी अवेलेबल हैं, जैसा कि YouTube पर आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं। इससे तलबा को मुश्किल अबवाब की तैयारी में मदद मिल सकती है। नतीजा यानी कि कंक्लूजन। पूरी ज़िंदगी एक इम्तहान की तरह है और हमें ज़िंदगी के हर कदम पर कामयाबी हासिल करने के लिए अच्छी तैयारी करनी होगी। इम्तहान हमें उस इलम और सलाहियत के बारे में ज़्यादा पुरतमाद बनाता है जो हमारे पास है। हमें इम्तहान ना से खौफ पैदा करने या आखिरी लम्हात की तैयारी का इंतज़ार करने के बजाय इम्तहान की तैयारी के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। आज हम जितना बेहतर करते हैं वही कल हमें मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।